जैसे जैसे जो है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मेरे को इम्पैक्ट कर रही हैं। जैसे कि मैं इतने टाइम से इन जगह जाता था, हॉन्टेड प्लेसों पर जाता था, जो भी करता था ना, वो चीज़ें आजकल कहीं ना कहीं मेरे को ना डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं। मॉर्निंग रिचुअल्स अपने तो यही है भाई। वाह, आई लव हनी, शायद जितना भी डाल दो उतना कम है। भाई फ्रूट्स खाने चाहिए सुबह सुबह उठते ही, दवा के समझ गए, दिन की एक मील आपकी प्रॉपर फ्रूट्स होने चाहिए, जूस वूस नहीं, होल फ्रूट्स, ठीक है जी। दिन की एक मील जरूर आपकी होनी चाहिए फ्रूट्स। ये देखो भैया, अच्छा वीडियो भाई तू आज के बाद, आज बाय बाय, आज के बाद मेरे व्लॉग में नहीं आओगे आप? मैं आऊंगा भैया। नहीं, मैं अच्छा एक बंदा कह रहा है कि आप भैया राकेश की बहुत बेइज्जती करते हो कमेंट वो में। ये तो हम क्या लोगों को क्या बताएं भैया। आपने कभी कॉमेडी शो कपिल शर्मा का शो देखा है? वो आपस में ही सबकी एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप सब हंस सको। ये ले भाई, ये ले शाबाश, इसकी बहन में दे दूं, देख खुल गई आंख, खुल गई। बता इसमें और तेरे में क्या चीज सेम है? जमीन आसमान का फर्क है, वो जानवर है मैं इंसान हूँ। साले तेरे से ज्यादा समझदार है वो। अब बंदे के क्या ऐसे मत बोला करो राकेश ये को, स्क्रिप्ट थोड़ी ना लिख सकता है भैया, तो स्क्रिप्ट लिख रहा है क्या? भाषा लिख सकता है। अब जो पाशा कर सकता है वो तो कर सकता है। तभी तो मैंने कहा पाशा जानवर है मैं इंसान हूँ। चलो ठीक है, काम सारे निपटा लिए गाइस। सुबह उठा था आज और नैप भी मार ली एक दोपहर में काम करके, और अभी शायद अब निकलने पड़ रहा है मैं गुड़गांव। नहा के चलूँ कि ना आए, ईमानदारी से बता दे। मैं तो बिना नहाए जा रहा हूँ, आप भी बिना नहाए चल। नहीं, मैं नहा के, आप बताना गाइस मैं नहा के जाऊंगा नहीं जाऊंगा। और चल रही है क्या? अरे वाह यार, एक नंबर यार। मौसम ठंडा हो गया है, अरे दोबारा ठंडा की है ये? अरे एक बार जाके ठंडा आती है ना वापस। ये बयान तो खचरे है ना। चल फिर मैं फ्रेश व्रेश हो लूँ, फिर चलते हैं। इतने तू एक स्क्रिप्ट और लिख दे। चलो ना ना ना, तो बैरी है मेरी। कोई बात नहीं, सारा बुलबुला छोड़ है, इससे ज्यादा क्या करेगा, छोड़ दिल्ली छोड़। अब पूरा मत घूम, सांस तो ले, पर से बचा ले भाई। चल जल्दी आ यार, मजाक मत कर, सीधा खड़ा हो, दिल्ली छोड़, गो दिल्ली छोड़, दिल्ली छोड़। अरे दिल्ली छोड़ दे यार, मजाक नहीं। पाजी बे मरेगा, पिट्टी कर दूं, कहरा मार दिया क्या? ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते पर, उस इसमें कॉपीराइट है क्या है? चल ठीक है भाई, शान ढली। ओ माय गॉड, ये मौसम, ये बारिश, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, 14 किलोमीटर जा रहा है अभी, आधा घंटा दिखा रहा है। कोई नहीं गाइस, 14 किलोमीटर आधा घंटा, 6 बज रहे ले हैं और अभी हम निकल गए हैं। साथ ही साथ राकेश के भी मजे हैं आज, क्योंकि राकेश का भी काम हो जाएगा साथ ही साथ, है ना मेरा राकेश? तू तुम तू 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 जिसके लिए जा रहा है भाई, मैं तो काम से जा रहा हूँ, तू जिसके लिए जा रहा है, तू तो किसी और चीज के लिए जा रहा है। गुड़गांव का मतलब तो तेरा वही है, मैप जहाँ लेके जा रहा है वही जा रहे हैं और दिखाएंगे हम क्या करने जा रहे हैं। वाह यार, दिल्ली में पहली बार बहुत दिनों बाद सनसेट देखा, कितना प्यारा लग रहा है, देखो गाइस। वाह यार, वाह यार राकेश, अब देख कितना प्यारा सनसेट है, मौसम और साथ में बता सेम यार गाइस। अरे भैंस की आंख तेरी, साले तेरे को तो ड्राइविंग करनी भी नहीं आती,
सेम ईयर का ही क्यों नहीं कर लेता भैया? अच्छी घंटा कर लेता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कर तो सब कुछ लेता हूँ मैं भी। अच्छा बेटे, अच्छा बेटे, तेरे तो जवान निकल गई यार। भैया सनसेट कितना मस्त हो रहा है ना। अरे तेरे तो जवान बहुत निकल गई यार, क्या चक्कर है, बोलने भी लगा गया तू इतना, हालात सिखा देते क्या बोलना? नहीं इस बार कट नहीं रहा ना सीरियसली। अच्छा इसकी तो जवान भी निकलेगी साले, के काटते हैं इसकी जवान ही काटते हैं। वाह यार वाह, कितना सुंदर लग रहा है यार, इतनी सुंदर है यार दुनिया यार, हैं? अब देख पा रहा हूँ मैं दुनिया को अच्छे से, अब तक तो मैं मेरी आंखों में पट्टी चढ़ी हुई थी ना प्यार की, उतर गई है, अब दुनिया अच्छी लग रही है। भाई फंस गए जाम में, ये महिपालपुर के नीचे वाला जो जाम है इसमें फंस गए। मिलता है जो क्या है समसरा जगह कौन सी है, रंगपुरी, सामने रंगपुरी का फ्लाई ओवर है महिपालपुर के आगे। महिपालपुर भी मेरे को राकेश ने बताया, ज़्यादातर महिपालपुर ज़्यादा आता था ये, पहले कह रहा था बता रहा था कुछ हिस्ट्री अपनी महिपालपुर की जो बाहर। तू ही तो कह रहा था भैया होटल सारे जानते हैं मेरे को, जितने भी होटल्स वाले सारे जानते हैं, बाकी वो तेरा मिनट वाला कूपन चलता रहा यहाँ पर। किसी को भी आ रहा हो गाइस बता देना, नाम ले देना राकेश का, नाम ले देना साले, मेरा नाम बदनाम कर दारियल वन बैठ, दारियल वन का तो कोई जानता भी नहीं बेचारा, चिड़िया का बच्चा भी उल्टे सीधे कामों में। बाकी तुम बड़ा हरामी हो बेटा, बाकी आप आगे देख के गाड़ी चलाओ बस भैया। भाई पोर्शे जा रही है, मेरा फेवरेट गाड़ी है मकेन तो है तो भाई जाम में फंस रहे हैं अभी, हम जाम में फंस के आ रहे हैं। अच्छा आप ये कमेंट करके बताओ तुम्हारा भाई नहाया नहीं नहाया, लाइट ऑन करके दिखाओ ले, वैसे ही बता देंगे अंधेरे में ही गुलशन खिलता है। अच्छा लास्ट वाली वीडियो में आप सबने कमेंट मार ही दिया, मैंने कहा था ना, मैंने कहा शक्ल से देखना लगता है बदमाश चोर चक्का, और मैं शक्ल से ही शरीफ देवता लगता हूँ। सबने भाई कमेंट करा सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो आप कितने सच में शरीफ लगते हो देखते ही गऊ। वाह यार वाह, ये रेड लाइट थी, मैं लास्ट ये पार हो जाए उसके बाद गाइज हम निकल जाएंगे यहाँ से। वाह यार गाइज मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है यार, वैसे ट्रैफिक ने ना थोड़ा सा आई डोंट नो मतलब बेकार कर दिया। वाह यार वाह, अरे अभी इसके में भी बढ़ जाता, अभी स्विफ्ट डिजायर स्विफ्ट बन जाती गाइस, बन गई। मॉडिफिकेशन दोबारा भाई कर देता अभी यही नहीं के नहीं। बाकी अभी आपको भोले बाबा के दर्शन कराते हैं, मैं पहले रोज गुड़गांव जाया करता था और गुड़गांव जाते हुए तुम्हारा भाई रोज यहाँ मत्था टेका करता था, अब तू भी तो जाता रहता गुड़गांव। आप क्या करने जाते हो भाई, मैं सारी बता दूं, है तू क्या करने जाता है गुड़गांव, अब तू क्या करने जाता है? मैं तो जाता ही नहीं जाता, अंड मंड का टोला भगवान जी है भैया, नहीं गुड़गांव जाता नहीं जाता, मैं गाली चढ़ा दूंगा माँ कसम बहुत गंदी, जाता हूँ आप ही के साथ जाता हूँ घूमने फिरने, नहीं मेरा अलावा नहीं जाता। अरे महादेव भाई अपनी भी गाइस कुछ गलतियां थी जो सुधार रहे हैं, हम भी जाते करते थे। लो भाई भोले बाबा के दर्शन करो, बोला हर हर महादेव। अभी बाबा इसे इसके कोई पाप हो गए पुराने जो बस बच गए हो, पुण्य तब बच गया। हाँ अरे ये कहाँ जा रहे हैं स्नेचर। वाह यार वाह, फाइनली हम कई मुसीबतों और जंग के बाद गुड़गांव पहुंच गए भाई, हैं पिच क्या कर रहा भाई मैं जिस काम के लिए आया था वो तो मैंने कर लिया बेसिकली, हम यहाँ पे आए थे एक फर्नीचर देखने, वो भी राकेश ने ही दिखाया था, मैं भी उस पे सोफा सेट ठीक है, तो भाई मेरे को तो समझ में आया नहीं वो, क्योंकि उसकी वो फोटो वाला फोटोजेनिक सोफा था बस,
देखने में अच्छा फोटो में, वैसे क्वालिटी एकदम बैठ जाए तो टूट जाए। टट्टी ग्लास बिल्कुल थर्ड क्लास। तो मैंने कहा यार इतना चीप मिल रहा, चलो एक बार चल के देखे तो सही। तो आ गए थे देखने। अब यहाँ से शुरू होता है आगे राकेश का काम। गाइस वो मेरे को बुखार है ना, डॉक्टर ने कहा दवाई लेनी है, एक सिरप मंगवाया बोला है लिखा है डॉक्टर ने, तो वो सिर्फ डॉक्टर के पास जा रहे सिरप लिखने के लिए। बुखार हो रखा है दो दिन से बहुत तबीयत। और सोफा आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जो हमें समझ में नहीं आई चीज उसको क्या ही प्रमोट, मतलब कैमरे में क्या ही दिखाता उस जगह को। ठीक है तो क्या हो गया अब, जब दवाई की बात हो गई है तो दिखाई, तो दवाई मिल गई है। डॉक्टर ने कहा एक बार में मतलब एक दो दिन ट्राई करना पी के, अगर बुखार कम नहीं होता तो आपको दोबारा आना पड़ेगा, एक बार दोबारा आना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा इसी दवाई से बुखार ठीक हो जाए, दोबारा ना आना पड़े। गैस पीछे देख रहे हो ना कहाँ आया था ये लेके मुझे। भाई यार मेरे को मत बदनाम करा करना, लेकिन तू यार नीचे नहीं उतर रहा बेटा, ऊपर चढ़ेगा वो, एक चढ़ गया है हो गया ऊपर। भाई जाम में फंसे पड़े जब से हम तो भाई, गाइस सारे काम निपटा लिए, सारे वो कर लिए, और भाई ये जो भाई है ना, ये जो गाड़ी चला रहा है, ये भगवान कसम राकेश है, दूसरा है दूसरा राकेश, मान लो इसको राकेश। एक मिनट उससे बात करो देखो राकेश ही बैठा दूसरा, सच में उसका नाम राकेश ही हो नहीं उसके लक्षण भी राकेश वाले ही है ना भाई, उसके लक्षण भी राकेश वाले ही है भाई, भगवान कसम। कभी तो हॉर्न मारो तो यू स्माइल कर दे तेरी बहन की आंख, क्या करे भाई लाइफ उससे दूर रखो फिर, स्ट्रगल बहुत है लाइफ में यार राकेश, क्या करूं मैं, उड़ा दे हैं, स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। वाह भाई वाह, ठंड हो रही है हल्की हल्की गाइस बाहर, अभी देखना यार क्या करेगा, देखते रहो। गाइस ये देखो भैया क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ तो खड़ा हूँ, क्या बदतमीजी हो रही है लाइफ में क्या बदतमीजी कर रहे हो, क्या हुआ गाइस मैंने थोड़ी बोला यू आर नॉट ओके, अब ये क्या बदतमीजी है बताओ, गलत है ना यार ये गलत है। गाइस इसकी बात सुन लो, ट्रांजिट देख रहे हो बाइक पे, अभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें गाड़ी छोड़ के बाइक पे आना पड़ गया, और बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए, क्योंकि भाई साहब हैंडल ड्राइवर दो दो, एक ये रहा और एक ये रहे सामने सारे, ओ आराम से चला। आपने मेरे व्लॉग्स में सब कुछ अब तक मजाक देखा, और मैं चाहता भी यही हूँ कि मेरे व्लॉग्स मतलब फन वे में रहें, इंटरटेन वे में रहें, लेकिन है ना कुछ चीज़ थी जो मैंने सोचा चलो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे जैसे जो है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मेरे को इम्पैक्ट कर रही हैं। जैसे कि मैं इतने टाइम से इन जगह जाता था, हॉन्टेड प्लेसों पर जाता था, जो भी करता था ना, वो चीज़ें आजकल कहीं ना कहीं मेरे को ना डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है मेरे साथ जो आप सोच नहीं सकते हो, मेंटली वीक करना, ग्रहों पर असर डालना। और मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सीखा है ना, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में भी हम अगर कुछ कर रहे हैं ना, तो वो भी किसी बेस पे कर रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कर रहे हैं और सीख कर कर रहे हैं, तो उसमें पता लग रहा है कि भाई कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है मेरे साथ। अभी मुझे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, अगर आप बताना, अगर आप चाहते हो तो कि मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूं और बताऊं आपको कि क्या क्या मैं फील कर रहा हूं और कैसे कैसे, क्या पता ये आपके साथ भी होता हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सलूशन हो सकता है, ज़रूर बताना। अभी फ़िलहाल व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, व्लॉग को एंड कर देते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, और हाँ खास कनेक्ट होने के लिए ना इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल को, जैसे इंस्टाग्राम पेज आप खोलोगे ना वहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक होगा, उस पर जाकर ज़रूर आप फॉलो कर लो डायरेक्ट कनेक्शन के लिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।